विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। यह महल सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये मेमोरियल रोजाना प्रातः 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक खुला रहता है। टिकट मूल्य गार्डन और म्यूजियम लेके 30 रुपया मात्र। इस विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है जहां 3000 से अधिक कीमती वस्तुएं रखा हुआ है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं, विक्टोरिया के अंदर क्या है चलिए हम सब देखते हैं। मेन गेट से हम प्रवेश कर चुके हैं अंदर। अंदर में हम देख रहे हैं, देखिए चारों ओर टूरिस्ट पूरा भरा हुआ है। काफी तादाद पर लोग यहाँ पर आते हैं ये म्यूजियम देखने के लिए। कहा जाता है ये ब्रोंज की परी उस जमाने में आवाज भी देती थी और घूमती भी थी। इस महल की ऊंचाई 184 फीट और 57 एकड़ भूमि पे निर्मित है। इस विशाल महल के चारों ओर बाग बगीचा और बड़े बड़े झील पर्यटकों का मन मोह लेता है। महारानी विक्टोरिया की खास पियानो, ये देखिए सबसे कीमती और सबसे पुरानी पियानो महारानी विक्टोरिया की ही है। अभी हम लोग महल के बीचों बीच प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए छत पे कितना सुंदर नकाशी है और ऊपर चढ़ने का भी जगह है सीढ़ी से। ये देखिए कितना पर्यटक है ऊपर में। सब तलवार से युद्ध होता था। देखिए कितना किस्म का तलवार है, शोर्ड है।
पेंटिंग देखिए, कितना ज़माने का पुराना पुराना पेंटिंग है। देखिए बहुत कीमती पेंटिंग है, ये सब ऑयल पेंटिंग है। देखिए पुराने ज़माने इंडिया कैसे दिखता था। देखिए पुराने ज़माने, पुराने पेंटिंग से ही हम लोग जान पाते हैं इंडिया पहले कैसे दिखता था, उस टाइम में इंडिया किस टाइप दिखता था, यही सब पेंटिंग से ही पता चलता है। उस ज़माने में दुनिया के सबसे बड़े बड़े पेंटर लोग ये सब पेंटिंग करके रख दिया है, आज हम लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए कोलकाता टूर इतना ही। अगला एपिसोड में कोलकाता का और नए नए चीज हम दिखाएंगे, इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो ही मिले।